जाता है, कैसे बताऊँ मैं आपको, आई एम नॉट अ पंजाबी बट इट इज़ सो गुड टू सी यू डू दैट ऑन स्क्रीन. लेकिन आप बताइए, डज इट कम सो नेचुरली टू यू, क्योंकि आप पंजाबी हैं, पंजाबी बेटा, पंजाबी फैमिली, सो डज इट लाइक जस्ट कम नेचुरली कि ये तो हम हमारी फैमिली में चलता है ये हंसी मजाक, यू नो? आपका जो सवाल सुन सकते हैं आप लोग, हेलो, आपका जो सवाल है मैं बाद में जरा उसका जवाब दूंगा. पहले तो जो आप हमारे यहाँ उपस्थित मेहमानों, आपका स्वागत करता हूँ. पटेल की पंजाबी शादी की पूरी टीम जो है यहाँ, तकरीबन जो सब हैं यहाँ, हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग यहाँ आए. थैंक यू वेरी मच. पहले तो ये हमारी फिल्म जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ढोल ताशा और वही नहीं है. इस पिक्चर में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की गई है. इस फिल्म में जो ये कि नहीं कि कल्चरल झगड़ा हो या क्लैशेस हो, जो हमारे यहाँ बहुत होते हैं. हमारे यहाँ तरक्की काफ़ी हो चुकी है. आज इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन फैमिलीज एंड एवरीथिंग आज की तारीख में तो बहुत आम हो गया है. बट ये मुद्दा तो रहता ही जाता ही रहेगा. और ये जो हमने किया है इस पिक्चर में, एक कुछ सबक, एक कोई हम इसके बारे में एक क्या कहते हैं, बात करना चाहते हैं जो आप फिल्म में देखेंगे. पहले संजय चहल साहब, जब मेरे पास इन्होंने ये फिल्म मेरे से इन्होंने डिस्कस की थी, तो मैंने सोचा ये फिर वही है यार, पंजाबी वाला और वो. और मैंने कहा ये कितने करूँगा, क्या करूँगा. मैंने इससे पहले काफ़ी पिक्चरों में किया है वो रोल, लेकिन इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी सजेशन दी थी कि आपने कभी ये नहीं किया कि तो ओवर द टॉप जो होता है, बहुत लाउड होता है कैरेक्टर और बहुत इस किस्म की बात है, तो वो उस करो. तो मेरा जो पर्सनल एजेंडा जो था इस पिक्चर करने का, वो सिर्फ ये था कि मुझे परेश रावल के साथ काम करने का मौका मिलेगा. तो परेश के साथ तो मैंने बहुत पहले भी काम किया है. मैंने फिर परेश को अपनी डायरेक्टोरियल वेंचर आप लॉर्ड चरे में भी दिया था. और ये पहली बार है कि जब मैं परेश के साथ एक इक्वल रोल में कर रहा हूँ, जो हमने बहुत खुशी से और मज़े से ये की है पिक्चर. सोचता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी. हमारे साथ ये नई लड़की है, पता नहीं कितनी नई लड़कियों मैंने इंट्रोड्यूस किया है. मैं उस वक्त मैं जवान होता था, अब थोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया हूँ. लेकिन तभी आप नए हैं, आपका स्वागत है. दिव्या है जो मेरी बीवी बनी है, और ये भी उतनी ही लाउड हैं. मेरे जो पिताजी वो यहाँ हैं, श्री प्रेम चोपड़ा साहब यहाँ कहीं हैं? इज जस्ट ऑन द वे. ठीक है, वो आ रहे हैं तो आते हैं. तो अगर भारती जी अगर हैं तो प्लीज़ आप आइए ऊपर, हम आपको प्लीज़ आइए ना, प्लीज़. थैंक यू. तो ये कहते हुए आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा जी, बिल्कुल. एंड मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रोसीडिंग्स आगे रखें. मुझे एनीवे लगता है दैट यू नो इट्स अ इट्स वन बिग हैप्पी फैमिली जो कि यहाँ पर स्टेज पर हम देख रहे हैं. परेश जी, आपसे पूछना चाहूँगी, कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हाट ऋषि जी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, कि इसके पहले एक फिल्म में शायद आप दोनों आए भी थे साथ में, लेकिन आमने सामने आए नहीं थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. लेकिन इस बार आमने सामने आए आप एक दूसरे के, कैसा था ये? हाउ गुड वॉज इट? क्या मजे किए? वॉज इट लाइक यार दोस्ती? नीडलेस टू से कि बहुत ही मजा आया. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ हिम मोर एंड मोर, बिकॉज आई थिंक कि उनके साथ काम करने से मज़ा भी बहुत आता है, सीखने को भी बहुत मिलता है. और मैं ये चाहूँगा कि हम दोनों सिर्फ कॉमेडी फिल्म में नहीं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाली, जो हम इनफैक्ट प्लान भी कर रहे थे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो हो भी जाए, कुछ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाली फिल्म भी करें, बहुत मज़ा आएगा. We want to see so much of the two of you together. Payal, South Indian movies mein aap dhamal macha chuki hain. We know the kind of fan following you have, which is immense. Ab is movie ke saath mein Bollywood mein aana, Rishi ji aur Paresh ji jaise logon ke saath pehli film mein hi kaam karna, kaisa tha aapke liye? Bahut acha tha. I'm very... It's on. Okay. So, first of all, I would like to thank Sanjay sir for choosing me and giving me the opportunity to walk in this film. I've always wanted to debut as a girl next door in Bollywood. And I'm so elated to share screen with Rishi ji and Paresh ji. They're lovely persons, very down to earth, loving, caring, supportive. Itne achhe log hai. Matlab, I've learned how to be humble from them. And Paresh ji ke saath to mere kaafi scenes hai because he's playing my father in the film. So through his natural acting, he made me relate to my royal father. So it was lovely working with the group, Divya ji, Bharti ji, my daddy. He's so she, where is she? Love you.
So everybody, the whole team is so supportive. I really enjoyed working here. That's lovely. Thank you so much. I think sab log itne khush lag rahe hain yahan par. It's all thanks to you, Sanjay ji. Jaisa maine kaha, the captain of the ship. So main aapse puchna chahungi, tell me some incidents na. Kuch kisse bataiye aap, Paresh ji, Rishi ji, ek saath jab hote hain. So aapko kya, aapki kya favorite yaadein hain shooting ke dauran ki kuch? नहीं, जब ऋषि जी और परेश जी साथ में होते तब मुझे कुछ करना नहीं होता है. जी मैं सिर्फ कैमरा एक्शन इतना बोल देता हूँ, वो कर लेते हैं. मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि इतने बड़े दो एक्टर, अलग अलग एक्टिंग स्कूल के एक्टर्स, और इतने नेचुरल, इतने एफर्टलेस, जिन्होंने मेरे साथ मेरे डायरेक्शन के अंडर काम करने के लिए मुझे तैयार हुए, वो उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ. और मैंने काफ़ी एक्टरों के साथ काम किया है, मेरी ये 30th फिल्म एज अ राइटर एडिटर सब मिलके. लेकिन इस तरह की दो एक्टिंग स्कूल को साथ में, कैमरा के साथ में, मैंने जो एंजॉय किया है वो कभी नहीं किया. आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल. एंड एक्सपीरियंसेस तो ऐसे हैं कि ऋषि जी से फर्स्ट टेक में ओके हो जाता है, परेश जी का फर्स्ट टेक में ओके हो जाता है, पता ही चलता नहीं कब शूटिंग होती है. और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पायल जो है वो बंगाली है, वो गुजराती प्ले कर रही है. वीरदास से जो आधे बिहारी है और आधे बंगाली है, वो पंजाबी प्ले कर रहे हैं. और ऋषि जी तो पंजाबी है तो पंजाबी कर ही रहे हैं. परेश भाई है वो गुजराती प्ले कर रहे हैं. भारती आचे अगर मराठी है, वो गुजराती प्ले कर रही है. तो मतलब पूरा नेशनल इंटीग्रेशन का यहाँ पे हमारे पास पूरा मौका था. एंड इस फिल्म में सबसे बड़ा मैसेज भी यही है कि हम भले कल्चरली अलग अलग हो, हमारी स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी ज़िंदगी के देखने के नज़रिए अलग हो, लेकिन हम सब के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है और वो है इंडियननेस. और उस बात को हमने हंसते खेलते इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की. आई एम वेरी हैप्पी. इट्स अ वेरी वेरी क्लीन फैमिली एंटरटेनर और सारी फैमिली देख के इसको एंजॉय कर सकती है. क्या बात है. अगर आप देखें इस फिल्म में, अगर आपने ट्रेलर देखा हो, आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे देश में भांत भांत के ऐसे कल्चर हैं, शादियों का अंदाज है, कितनी कलरफुल हैं बातें. हमारा जो माहौल होता है शादी का, एक खुशी का माहौल होता है. तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं. आज की तारीख में मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सरकार ने तलाक का जो स्टेटमेंट उठाया उसको रद्द किया है. हम अच्छी बातें करना चाहते हैं, बुरी बातें नहीं करना चाहते.